गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। आज के इस एपिसोड के अंदर गाइस हम लोग इस गेम के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, और भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के सिवा ना इस गेम के अंदर और भी बहुत कुछ है करने को। तो गाइस सर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिना किसी तरीके चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस हम आ चुके हैं सीधा गेम के अंदर। तो भाई अगर आप लोगों ने इस गेम का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो यार लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे खेती की थी। कहने का मतलब भाई कि हमारे जितने भी खेत है ना उनके अंदर हम लोगों ने व्हीट और बार्ले उगाया था, और फिर उसको हार्वेस्ट करके हम लोगों ने ले जाकर ना बेच के काफी मोटा पैसा कमाया था। तो यार पहला तो ये तरीका हो गया भाई इस गेम में पैसा कमाने का। बट यार इस गेम में ना एक तरीका नहीं है भाई पैसा कमाने का, काफी तरीके हैं जिससे हम लोग ना काफी तेजी से पैसा कमा सकते हैं, जिनमें से भाई एक तरीका एनिमल बिजनेस का। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ले आके बहुत सारे एनिमल पाल लें तो यार उनके प्रोडक्ट को बेच के ना हम लोग काफी पैसा कमा सकते हैं इस गेम के अंदर। बट यार अपने पास भाई उतने पैसे नहीं कि हम लोग यहाँ पे एनिमल का बिजनेस स्टार्ट कर सके। मान लो अगर हम एनिमल ले भी आएंगे तो यार अपने पास ना एनिमल को रखने के लिए जगह नहीं है। कहने का मतलब भाई कि जो एनिमल है ना उनके लिए हमें बांध बनाना पड़ेगा और घर बनाना पड़ेगा, तभी हम उनको रख पाएंगे। मान लो यहाँ पे अगर ओपन में लेके छोड़ देंगे तो यार एनिमल ना हमारे भाग जाएंगे इस विलेज के अंदर, और फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और हम भाई फिर ना कंगाल हो जाएंगे क्योंकि यार हमारे सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ऊपर देखो गाइस अपने पास $1,40,000 के नियर अबाउट पैसा है। तो यार मैं नहीं चाहता भाई कि मैं इस गेम के अंदर कंगाल हूं। जब हमारे पास $500,000 हो जाएंगे तब भाई हम एनिमल का बिजनेस ना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यार फिलहाल के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं जिससे हम लोग काफी तेजी से पैसा कमा सकते हैं, वो भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेने का। कहने का मतलब भाई जो ये विलेज है ना इसके अंदर बहुत ही अमीर अमीर फार्मर रहते हैं, जो कि भाई खुद से ना काम नहीं करते, वो ना कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं और फिर उसके बदले ना पैसा देते हैं। तो ये देखो अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो ये देखो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। कहने का मतलब भाई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हम करके ना पैसा कमा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की। तो मान लो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं तो ये देखो यहाँ पे भाई ये बंदा है और यहाँ पे इसका खेत नंबर लिखा हुआ है। ये देखो खेत नंबर 15 के अंदर हमें जाना है, मतलब अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें भाई खेत नंबर 15 के अंदर जाना होगा। और यहाँ पे भाई इसके खेत के अंदर क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मो द ग्रास इन द फील्ड। कहने का मतलब है शेयर से ना हमें उसके खेत से ग्रास वगैरह काट के इकट्ठी करनी है। तो भाई अगर हम उसके खेत के अंदर जाएंगे और ग्रास काट के इकट्ठी करेंगे तो वो हमें देगा $5,462। तो यार इसी तरीके से ना हम इन कॉन्ट्रैक्ट को करके यहाँ पे मोटा पैसा कमा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। कहने का मतलब भाई ये देखो सस्ते वाले भी हैं, मतलब जिनमें हमें कम पैसा मिलेगा, और बड़े वाले भी हैं जिनमें हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। ये देखो भाई यहाँ पे $26,000 मिलेगा अगर हम यहाँ पे जाके क्या करना है देखते चलो। यहाँ पे हमें करना मो द ग्रास इन द फील्ड। कहने का मतलब भाई हमें ना ग्रास को काटना खेत से शायद। और हाँ यहाँ पे नीचे ना ये टूल दिखा रहा है, मतलब कि ग्रास काटने के लिए भाई ये सब टूल लगने वाले हैं। कहने का मतलब इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना हमें ये सारे टूल लेके जाने पड़ेंगे खेत के अंदर, तभी भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट ना कंप्लीट होगा। तो भाई अगर हमारे पास ये सब टूल नहीं है ना तो इस गेम के अंदर हम यहाँ पे देखो बोरो का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये सारे टूल उधार लेके ना इसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके इन सभी टूलों को वापस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब भाई बहुत ही कम पैसा लगेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हम लीज पे लेंगे तो भाई हमारे ना $1,208 कट जाएंगे, मतलब कि जो ये पैसे दे रहा है ना इनमें से भाई हमें $1,208 कम मिलेंगे। तो यार इतना ही बुरा नहीं है, हम लोग काफी पैसा कमा सकते हैं, मतलब हमें काफी पैसा भाई फ्री का मिल जाएगा। तो चलो यार हम लोग ना एक दो कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें करना कल्टीवेटिंग। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ कल्टीवेटिंग, और यहाँ पे खेत नंबर है ये 70, और यहाँ पे ये हमें देगी $14,540 के नियर अबाउट, और यहाँ पे हमें जाना 70 नंबर फील्ड के अंदर। और भाई हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ देखो प्रिपेयर फील्ड 70 फॉर सोविंग द नेक्स्ट क्रॉप बाय कल्टीवेटिंग इट। हमें जाके इसके खेत को ना कल्टीवेट करना है ताकि भाई ये ना अपनी अगली फसल उगा पाए। तो एक काम करते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट ना हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर रुको हमको ना भाई यहाँ पे ये वाली मशीन बोरो करनी पड़ेगी, कहने का मतलब किराए पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि यार अपने पास ना इतनी मशीनें नहीं है, क्योंकि गाइस हम लोग ना नहीं है इस गेम के अंदर। धीरे धीरे जब हमारे पास पैसा होगा तब भाई हम ना बड़ी बड़ी मशीनें बाय करेंगे इस गेम के अंदर। तो एक काम करते हैं हम ना ये आइटमें बोरो करते हैं। तो ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ना एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखो यहाँ पे ये दो फेल्ड हो रखे हैं, इनको भाई मैंने स्टार्टिंग में करने की कोशिश की थी, बट यार ये ना कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हार्ड थे। तो ये देखो यहाँ पे एक्टिव लिखा आ रहा है, मतलब कि हमें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ना कंप्लीट करना है। तो भाई इनके अंदर हम लोगों ने आइटमें लिए ना लीज पे, वो सारी सारी आइटमें हमें शॉप पे जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो एक काम करते हैं भाई चलो चलते हैं इसके खेत के अंदर, और चल के ना इसका खेत जल्दी से कल्टीवेट कर देते हैं। पर यार मैं सोच रहा हूँ ना भाई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हम भाई अपने खेत को ना जोत देते हैं, क्योंकि यार इसके अंदर जो हम लोगों ने उगाया था ना उसको हम लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया, तो भाई ये ना वेस्टेज है। तो कहने का मतलब भाई अगर हम इसको हार्वेस्ट कर देंगे ना तो हम यहाँ पे कुछ भी उगा पाएंगे। वेट महीना कौन सा चल रहा है, तो भाई महीना देखो ऊपर लिखा है सितंबर 2, तो कहने का मतलब आज सितंबर 2 है। तो चलो देखते हैं भाई कैलेंडर के अंदर कि हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई इस गेम के अंदर ना हमें कैलेंडर के हिसाब से फसलें उगानी पड़ेंगी। ये देखो यहाँ पे भाई हमें कैलेंडर दिया हुआ है फसलों के हिसाब से, यहाँ पे सितंबर चल रहा है ना, मतलब मिड सितंबर चल रहा है। तो देखो जिन फसलों के ऊपर ग्रीन है ना सितंबर के अंदर वही फसल हम उगा सकते हैं। और इस येलो कलर का मतलब है कि हमें इस फसल को कब हार्वेस्ट करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ वीट को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, मतलब कि एक साल बाद। ठीक, तो एक काम करते हैं भाई हम क्या उगा सकते हैं, लास्ट टाइम यार हम लोगों ने वीट और बार्ले उगा के देख लिया। तो एक काम करते हैं हम लोग ना यहाँ पे देखो ग्रास का ऑप्शन है, शायद से यार हम ना इस गेम के अंदर ग्रास उगा के ना बेच सकते हैं, शायद से यार घोड़े वोड़े खाते ना ग्रास तभी शायद। तो एक काम करेंगे भाई हम ना यहाँ पे उगा देंगे ग्रास। तो एक काम करते हैं चलो चल के ना जल्दी से, पहले तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के पास ना जो हम लोगों ने भाई लीज पे आइटमें ली हैं उनको ले जाकर ना उस खेत के अंदर छोड़ के आते हैं, और फिर ना वहाँ पे हम AI लगा देंगे। कहने का मतलब भाई कि हमें फ्री में ना पैसे मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा वहाँ पे, एक काम करते हैं चलो। ये देखो भाई यहाँ पे ये ट्रैक्टर आ रखा है, और यहाँ पे ये बड़ी सी मशीन आ रखी है जो कि भाई कल्टीवेट करने वाली है उसके खेत को।
तो हमें कौन से खेत में जाना था, रुको जाके देखने दोबारा से। तो चलो हम चलते हैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और यहाँ पे ये देखो हमें जाना भाई खेत नंबर 70 के अंदर। तो चलो देखते हैं मैप के अंदर से कि खेत नंबर 70 कौन सा है। ये देखो इस गेम के अंदर गाइस यहाँ पे जितने भी खेत है ना उनके नंबर दिए हुए हैं। तो भाई जो अपने खेत है ना, ये देखो अपने ये वाले खेत है, अपने खेत का नंबर है 45, 46, 44 और ये 49। तो भाई अपने पास टोटल 4 खेत है। शुरू में हमें फ्री के ना 3 खेत मिले थे ये वाले, और भाई लास्ट वाले एपिसोड के अंदर ये वाला खेत खरीदा था क्योंकि भाई इसके अंदर ना वीट लगी हुई थी, क्योंकि यार हम लोग ऑलरेडी वीट और बारले उगा के काट रहे थे ना। तो भाई मैंने उस खेत को भी खरीद लिया था, साथ में ना उसको भी काट के बेच दिया था। तो हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाना 70 नंबर खेत में। चलो देखते हैं भाई 70 नंबर खेत है कहाँ पे। रुको यार 70 नंबर खेत तो भाई मिल नहीं रहा। ये रहा भाई, ये देखो भाई साहब ये बहुत ही बड़ा खेत है मतलब। तो फिर एक काम करते चलते यहाँ पे। रुको हमें कहाँ से जाना है, हमें यहाँ से जाना ना मतलब पहले तो हमें शॉप पे जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भाई हमारे शॉप है ना, जो मशीन हम लोगों ने लिए लीज पे वो आ चुकी है, जो कि भाई कल्टीवेट करने वाली है इस खेत को। तो एक काम कर सकते हैं भाई हम, रुको हम सीधा ना ट्रैक्टर के अंदर बैठते हैं और यहाँ पे ना इसको पीछे अटैच कर लेते हैं और सीधा भाई एआई मोड पे डाल देंगे इसको। जो एआई है ना इस गेम के अंदर वो सीधा भाई इसको लेके चला जाएगा उस खेत के अंदर। पर रुको नहीं भाई नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यार इस गेम के अंदर जो एआई इन लोगों ने डाला हुआ ना वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम भाई उसके पीछे कोई टूल लगा देंगे ना तो भाई वो टूल खोल के ना यहीं पे जमीन पे काटना शुरू कर देगा। कहने का मतलब वो बताएगा कि यहाँ पे उसे जमीन नहीं मिल रही। तो अगर हम भाई ओनली ट्रैक्टर को भेजेंगे तो वो ट्रैक्टर चला जाएगा, बट अगर मशीन पीछे लगा के भेजेंगे तो मशीन नहीं जाएगी। तो हमें ना खुद से लेके जाना पड़ेगा इसको। एक काम करते हैं भाई साहब, ये ट्रैक्टर देखो कितना बड़ा रखा है वो। भाई साहब मेरे हिसाब से ना ये काफी पावरफुल ट्रैक्टर है, तो यार एक दिन ना हम इस ट्रैक्टर को ही बाय करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं जल्दी से ना इस मशीन को पीछे अटैच कर लेते हैं। ओ वेट, वो पीछे क्या रखा हुआ है, चल के देखते हैं। चलो यहाँ पे, ओ भाई चक्को में कूटक रहा है, इसके चक्के देखो भाई मेरे से भी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो एक काम करते हैं चल के देखते हैं वहाँ पीछे क्या पड़ा हुआ है। ओ वेट गाइस, लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ना ये देखो यहाँ पे फर्टिलाइजर खरीदा था, तो भाई हमारा फर्टिलाइजर ना यहीं पे पड़ा हुआ है। तो यार इसको यहीं पे रहने देते हैं, जब हम लोग भाई अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर छिड़केंगे ना तब भाई यहाँ से ना मशीन लेंगे और उसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर लेंगे और ले जाकर अपने खेत के अंदर छिड़क देंगे। तो एक काम करते हैं चलो बैठते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर और जल्दी से अटैच करते हैं भाई इस ट्रैक्टर को उस मशीन के साथ। ये देखो यहाँ पे पीछे खड़ी हुई है। तो एक काम करते हैं भाई, एक तो इस गेम के अंदर ना ये ट्रैक्टर वैक्टर चलाना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है शायद। नहीं यार सीधा करना पड़ेगा। ये देखो भाई अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करूँगा ना तो ये मशीन कनेक्ट नहीं होगी। तो कहने का मतलब भाई कि हमें पूरा सीधा इसके पीछे लगाना तभी ये मशीन ना कनेक्ट होगी, थोड़ा सा पीछे और करना है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो एक काम करते हैं भाई जल्दी से करते हैं कनेक्ट। ये होगा इस यहाँ पे ये मशीन ना कनेक्ट हो चुकी है। तो यार इसको हम खींच के ना वहाँ पे लेके जा सकते हैं। किस नंबर खेत में जाना था, चलो देखते हैं। हमें जाना भाई 70 नंबर खेत के अंदर। ओ वेट, ये देखो भाई शायद से ना इस गेम के अंदर ट्रेन भी चल रही है। ये देखो यहाँ पे ट्रेन जा रही है, लोकोमोटिव डीजल। तो भाई यहाँ पे एक डीजल ट्रेन जा रही है, ये जा कहाँ पे रही है रुको देखने दो जरा। ग्रेन पूल ईस्ट, ये क्या भाई। मेरे हिसाब से यार जो ट्रेन है ना एक विलेज से दूसरे विलेज के अंदर भाई फसल ले जाके छोड़ती है। तो हमें जाना किस साइड है रुको देखने दो जरा। एक काम करते हैं मैप के अंदर जाते हैं, 70 नंबर खेत ये रहा। तो हमें भाई ये वाली पटरियां देखो यहाँ से क्रॉस करनी है। ये जा रही भाई ट्रेन, ये कितनी प्यारी लग रही है, जब हम इसको पास से देखेंगे तब भाई मजा आएगा। एक काम करते हैं हमें जाना किस साइड है, हम लोग यहाँ पे ये देखो अगर हम भाई यहाँ से आती हैं तो यार काफी दूर पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम ना पहले चलते हैं सीधा अपने फार्म के पास और फिर फार्म के पीछे से मुड़ के ना सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से। मेरे हिसाब से जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना वहाँ पे शायद से एक ट्रेन स्टेशन भी है। ये देखो यहाँ पे ना ये देखो ट्रेन सी बनी हुई है, ये देखो रेंट ट्रेन। ओ भाई हम लोग ट्रेन रेंट कर सकते हैं, तो चलो भाई करके देखेंगे। एक काम करते हैं चलते जल्दी जल्दी से। ये देखो भाई यहाँ पे ना साइड में बेकरी भी है, तो उस वाली बेकरी को ना खरीद सकते हैं। वो देखो पीछे ना घेर बना रहा था तो वहाँ पे बेकरी थी, यार बेकरी से भी हम लोग काफी पैसा कमा सकते हैं इस गेम के अंदर। बट यार बेकरी से पैसा कमाने के लिए ना हमें एनिमल की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई जब तक हमारे पास एनिमल वगैरह नहीं आ जाते तब तक बेकरी खरीदने का कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं हमें इस साइड ही जाना ना, इस साइड हम पहली बार जा रहे हैं। एक काम करते हैं मैप के अंदर जाते हैं, देखते हैं हम सही जा रहे हैं ना, कहीं भाई हम भटक ना जाएं। वेट, ये देखो यहीं से जाना है, एकदम सीधा जाना है और जाके ना यहाँ पे। वेट यार भाई साहब ये देखो शायद से भाई हमें यहाँ से घूम के फिर जाना वहाँ पे, ये है ना 70 नंबर खेत ये रहा। तो हमें एकदम सीधा जाना है, तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से और देखते हैं चलो इस रास्ते को भी। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम दूसरी साइड गए थे। ओ वेट यहाँ पे देखो सामने हिरण आ रखा है, ओ भाई जम मार के साइड हो गया। तो शायद से यार इस गेम के अंदर ना जो फ्री के एनिमल है वो शायद हिरण ही है जो कि इधर उधर घूम रहा है। ओ वेट ये क्या सामने, ओ भाई ये देखो एक नहर इस साइड से जा रही है। तो अगर गाइस हम यहाँ पे नीचे पलटे ना तो ओ वेट यहाँ पे भी एक हिरण घूम रहा है। यार हिरण कुछ ज्यादा आ रखे हैं भाई इस विलेज के अंदर। तो मैं ये कह रहा था अगर भाई ये ट्रैक्टर यहाँ पे कहीं नीचे पलट गया ना खाई के अंदर तो भाई हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ट्रैक्टर वैसे भाई काफी तेज चल रहा है, मतलब 40 की स्पीड में चल रहा है। ओ वेट ये देखो सामने कोई शायद से फैक्ट्री है। वेट हम शायद से ना पहुंचने वाले हैं। वेट हम कहाँ पे हैं, ये देखो भाई हम यहीं पे हैं 40 नंबर खेत के पास। ये देखो ये वाला खेत है भाई जिसको हमें करना कल्टीवेट। वेट यार इसे कल्टीवेट करना है कि वो सामने वाले को कल्टीवेट करना है, रुको यार देखने दो जरा। 70 नंबर खेत यही है ना, यही है भाई। मुझे लग रहा है भाई इसके ऊपर ना ये देखो बर्फ जमी हुई है तो हमें इसको शायद से हटाना है। वेट शायद से यार ये देखो ग्राफिक ग्लिच हो रही है, मतलब कि भाई जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं ना वैसे वैसे ये देखो यहाँ पे ये क्लियर होता जा रहा है। तो भाई इसके ऊपर कोई स्नो नहीं है, यहाँ पे देखो वैसे स्नो पड़ी हुई है। वेट हम नीचे उतर के देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कनोला। अच्छा इसके अंदर किसी ने कनोला उगाया था। तो एक काम करते हैं चलो यहाँ पे हम ट्रैक्टर को करते हैं सीधा और जल्दी से ना एआई मोड को करते हैं एक्टिवेट, क्योंकि यार इस गेम के अंदर ना जो एआई है वो हमारा काम बहुत ही आसान बना देता है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं एआई को काम पे लगा दूँ और खुद जाके ना वहाँ पे अपने खेत के अंदर कुछ ना कुछ उगाऊँ, क्योंकि यार अगर अपने खेत के अंदर कुछ नहीं उगाऊंगा ना तो भाई हमारा खेत ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलो फिर जल्दी से ना इस टूल को हम अनफोल्ड कर लेते हैं और देखते हैं भाई ये टूल कैसा दिखता है। ये देखो भाई साहब यहाँ पे ये टूल खुल रहा है,
मुझे लग रहा है भाई कि ये बहुत ही बड़ा टूल है, मतलब जो ये खेत है ना बहुत तेजी से कर देगा ये कल्टीवेट। वेट, ये इतना बड़ा क्या? इससे ज़्यादा बड़ा तो भाई जो मेरा पास ट्रैक्टर है उसके अंदर लगा हुआ है, काफ़ी छोटा यार वैसे ये देखो। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से ना यहाँ पे एआई को डालते हैं काम पे, ताकि यार एआई ना काम कंप्लीट कर दे। यहाँ पे देखो गाइस, ये हमारा काम होना स्टार्ट हो चुका है, और जो हमारा एआई है ना भाई वो अच्छे तरीके से इस काम को कंप्लीट कर देगा, जो रह जाएगा ना उसको हम आके यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो चलो एक काम करते हैं, हम अपने खेत के अंदर चलते हैं, और चल के ना जो भाई हमारी फील्ड खाली पड़ी हुई है उसको हम लोग जल्दी से ना जोत देते हैं। ये देखो भाई ये भी खाली पड़ी हुई है, तो उससे पहले हमें ना सबसे पहले इसके पीछे भाई ये हल कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो सामने की साइड ने ये हल रखा हुआ है, ये देखो इसको ना हमें इस वाले ट्रैक्टर के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो भाई चलो जल्दी से ना इसको अटैच करते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और फिर ना जो हमारे तीनों खेत हैं, ये देखो एक खेत सामने की साइड है, और एक खेत देखो इसके आगे की साइड है, और एक खेत देखो यहाँ पे है, मतलब तीन खेत ये हैं और एक खेत भाई वहाँ पीछे की साइड है। तो हमारे पास टोटल चार खेत हैं, तो चलो भाई जल्दी से ना इन खेतों को हम कर देते हैं कल्टीवेट, और कल्टीवेट करने के बाद ना जल्दी से इनके अंदर कुछ बीज देंगे, क्योंकि यार अगर महीना बीत जाएगा ना तो भाई हम कुछ भी उगा नहीं पाएंगे। वैसे भाई इस गेम के अंदर अगर हम सो जाएंगे ना तो महीना बीत जाएगा। चलो जल्दी से भाई करते हैं पीछे अपने ट्रैक्टर को, और जल्दी से ना इस टूल को अटैच कर लेते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। अगर हम यहाँ पे एपीपी में देख रहे हैं ना तो देखो भाई कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे गाइस, ये देखो ये टूल ना कनेक्ट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से लेकर चलते हैं इसको अपने खेत के अंदर, और जल्दी से ना भाई अपने पूरे के पूरे खेत को कल्टीवेट कर देते हैं, मतलब जितने हमारे खेत ना सभी को जल्दी से करते हैं कल्टीवेट। वैसे यार अगर हम वो वाली मशीन ले आए तो यार उससे ना ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बट यार वो मशीन हमारा वहाँ पे काम कर रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो अगर वो उसको यहाँ पे ले आएंगे तो भाई उसका भी हमें किराया पड़ता रहेगा। तो चलो छोड़ो यार, उसको ना वहाँ पे काम कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद अगर टाइम बचेगा ना तो उसको लेके यहाँ पे यूज कर लेंगे, बट शायद से यार उससे पहले मैं यहाँ पे ना इसको कल्टीवेट कर दूंगा। वैसे यार अपने खेत इतने बड़े नहीं है देखो, तो चलो भाई यहाँ पे ना एआई को काम पे डालते हैं, और खुद ना बाहर निकल जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये हल हो चुका है नीचे, और यहाँ पे हमारा एआई भाई काम पे लग चुका है, तो भाई एआई ना इसको अपने आप ही कल्टीवेट कर देगा, और ये हमारा खेत भाई पूरा पूरा कल्टीवेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, अपना एक ट्रैक्टर ना ये देखो यहाँ शॉप पे खड़ा हुआ है, सॉरी शॉप पे नहीं खड़ा, ये भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ पे एनिमल मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे एनिमल छपा हुआ है, बट यार एनिमल खरीदने के लिए ना हमें बांध बनाना पड़ेगा, फिर यार हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, इस वाले ट्रैक्टर को ना जल्दी से एआई मोड पर लगाते हैं, और जल्दी से भेजते हैं अपने फार्म के अंदर, क्योंकि यार यहाँ पे खड़ा खड़ा ये ट्रैक्टर ना किसी काम का नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, एआई मोड पर लगाते हैं इसको, और यहाँ से डेस्टिनेशन करते हैं सेट, तो हमें भेजना है इसको यहाँ पे 45 नंबर खेत के पास। तो चलो भाई इसको यहाँ पे लगाते हैं, और ये देखो ये खुद से जाएगा आप सीधा हमारे खेत के पास। तो चलो भाई यहाँ से हम करते हैं सीधा स्विच, और यहाँ पे वेट, ये तो हमारा हार्वेस्टर खड़ा हुआ है, शायद से यार इसके अंदर रुको देखने दो, इसके अंदर से शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम भाई जितना भी गेहूं था ना सारा सारा निकाल लिया था। तो एक काम करते हैं, चलो इसको ना एक साइड कर देते हैं, वरना साइड नहीं करेंगे ना तो जब हम इस खेत को जोतेंगे मतलब एआई लगा के, तो जो हमारा एआई है ना वो बार बार अटक जाएगा, मतलब कि उसके आगे ये हार्वेस्टर आएगा और फिर वो काम नहीं करेगा। तो चलो इसको खड़ा करते हैं यहाँ साइड में, और चलो इससे बाहर निकल जाते हैं। वेट गाइस, ये क्या है इस गेम के अंदर, यहाँ साइड से ना शायद से हमारा नेबर जा रहा है। ये देखो भाई जो ये 52 नंबर है ना, ये हमारे पीछे वाले नेबर है, वहीं पे ये बंदा जा रहा है। तो अगर हम इसका खेत खरीद लेंगे तो भाई इसका ना पूरा का पूरा घर हमारा हो जाएगा। ये देखो अगर हम इसको घर को खरीदते हैं तो भाई यहाँ पे लगने वाले $1,37,000। तो यार अपने पास भाई इतने पैसे हैं, मतलब पूरे पूरे पैसे हैं, तो अगर हम भाई इसका घर खरीद लेंगे और खेत खरीद लेंगे तो हमारे पास भाई कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, बाद में खरीदेंगे। ये देखो भाई लास्ट एपिसोड के अंदर ये वाला खेत भी खरीदा था हम लोगों ने, वैसे हम चाहें तो भाई इसको ना बेच के पैसा ले सकते हैं वापस, बट यार मैं सोच रहा हूँ ना इसको भी कल्टीवेट करके ना यहाँ पे भी कुछ उगा देते हैं। तो भाई चलो चलते हैं जल्दी से। वेट यार, अपना कल्टीवेटर वहाँ पे काम कर रहा है ना, तो भाई अपने पास एक ही कल्टीवेटर है, तो हम क्या करें, चलो देखते हैं चलते हमें क्या करना चाहिए। वेट, ये हमारा बार है ना, तो इसके अंदर वैसे शायद से यार एनिमल ले आकर ना हम इसके अंदर भी रख सकते हैं, पर यार एनिमल अगर यहाँ पे रखेंगे तो यार देखो इनके लिए चैम्बर वगैरह कुछ नहीं बना हुआ। वेट, यहाँ पे एक गेट है, इस गेट को खोल के देखते हैं, पर नहीं यार शायद से ना ये गेट बाहर की साइड खुल रहा है। ये देखो यहाँ पे जितने भी गेट लगे हुए ना सारे सारे बाहर की साइड खुल रहे हैं, मतलब कि ये बार ना बहुत ज्यादा छोटा है, तो यार हमें ना अपने हिसाब से बड़ा बार बनाना पड़ेगा, तो उसको भी बनाएंगे हम। चलो चल के देखते हैं भाई हमारे एआई कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे तो काम अच्छा कर रहा है। रुको यार, हमारे पास भाई तीन ट्रैक्टर थे, तो यार हमारा एक ट्रैक्टर तो यहाँ पे देखो कल्टीवेट कर रहा है, वो देखो सामने की साइड, और एक ट्रैक्टर हम लोगों ने शॉप से भेजा था यहाँ पे। वेट, ये देखो यहाँ पे आ रखा है, और यहाँ पे भाई इसने ट्रैफिक भी लगा रखा है। तो एक काम करते हैं जल्दी से ना इसको साइड कर देते हैं, ताकि भाई हमारे घर के बाहर ना ट्रैफिक ना जाम हो। चलो इसको करते हैं साइड। तो हमारा एक ट्रैक्टर मिसिंग है शायद से, यार मुझे लग रहा ना मैंने उसको एआई मोड पे लगाया था लास्ट टाइम, और शायद से ना वो रास्ता भटक चुका है। तो चलो भाई हम स्विच करके देखते हैं सीधा टैब दबा के। ये देखो भाई एक ट्रैक्टर हमारा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे लग रहा ना एआई इसको भाई यहाँ पे गलत ले आया, और यहाँ पे भाई ये डूबते डूबते बच गया। ये देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ी झील है शायद, रुको शायद झील नहीं है भाई, थोड़ा सा पानी जमा हुआ है। तो एक काम करते हैं भाई, बिना फालतू में डरा दिया इसने, मतलब इस झील ने। तो एक काम करते हैं जल्दी से ना इसको एआई मोड पे डालते हैं, और भेजते सीधा अपने फार्म के पास। चलो भाई लगाते हैं इसको एआई मोड पे, यहाँ से उठाते हैं डेस्टिनेशन, और यहाँ पे भेजते हैं इसको 45 नंबर खेत के पास। तो भाई चलो इसका फेस करते हैं इस सामने की साइड, और ये देखो गाइस यहाँ पे ना इस ट्रैक्टर के अंदर एआई बैठ चुका है, और इसको सीधा लेके जा रहा है अपने फार्म के अंदर, मतलब हमारे फार्म के अंदर। तो देखो खुद से ना रोड पे होकर चला जाएगा सीधा हमारे फार्म में। तो एक काम करते हैं, हम स्विच करते हैं सीधा कॉन्ट्रैक्ट में। वेट, ये देखो गाइस यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने लिया है ना वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे। ये देखो यहाँ पे लिखा रहा फर्टिलाइज 0, तो यार हम लोगों को भाई फर्टिलाइज नहीं करना, हम लोगों को बस इसको जोतना है। तो थोड़ा सा वेट यार, इस साइड भाई पूरा का पूरा पड़ा वो भाई साहब। ये देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ी जमीन बाकी है, तो यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं सोच रहा हूँ यार इस ट्रैक्टर के अंदर मैं बैठूँ, और मैं बैठ के ना पूरे के पूरे खेत को कल्टीवेट कर दूँ जल्दी से, क्योंकि यार जो एआई है ना इस गेम के अंदर वो काफ़ी रूल फॉलो करता है। ये देखो भाई ये घूम फिर रहा है गोल गोल,
तो शायद से ना इसको हमें हटा देना चाहिए। एक काम करते हैं भाई, चलो इसको हटाते हैं और मैं ना इसको खुद से जल्दी से जोड़ देता हूँ। ऑलरेडी गाइस यहाँ पे देखो मैंने इस खेत को ना पूरा का पूरा कल्टीवेट कर दिया, बट भाई यहाँ पे कल्टीवेट करते करते ना हालत खराब होगी। मतलब भाई पूरा एक घंटा लग गया, क्योंकि यार ये देखो भाई जो ये ट्रैक्टर है ना बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। कहने का मतलब जो ये पीछे वाला टूल है देखो भाई पूरा मिट्टी के अंदर धस के चल रहा है उसकी वजह से। तो हमें जाना शायद से सामने की साइड। वेट यार, इसको मैंने पूरा का पूरा कम्प्लीट कर दिया बट यहाँ पे यार हमें पैसे नहीं मिले। रुको, हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ कम्प्लीट, बट रुको यार हमें पैसे नहीं मिले भाई। हमारे पास $1,37,000 तो ऑलरेडी थे। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस टूल को भाई करते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि यार अगर मैं इसको भाई नीचे चला रहा हूँ ना तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। ये देखो भाई जैसे ये ऊपर हुआ ना हमारे ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ गई। वेट, ये तो शायद से ट्रेन है ना, ट्रेन वाला पाथ है। तो अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो भाई अगर ट्रेन आ गई तो हमारा ट्रैक्टर टूट जाएगा। वेट यार, ये यहाँ पे पैसे कैसे मिलेंगे? वो देखो भाई सामने से ट्रेन आ रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊँ और मर जाऊँ, क्योंकि यार हमें पैसे नहीं दिए भाई उस बंदे ने। एक काम करते हैं खड़ा होकर देखते हैं। ओ भाई ये क्या ग्लिच हो रहा है? ये देखो भाई ग्लिच हो चुका है, यहाँ पे हम ट्रेन के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे ये ट्रेन कहीं पे जा रही है। ओ शिट यार, हम लोग नीचे गिर गए। अगर भाई हम उसके ऊपर खड़े रह जाते ना जब मार के तो शायद से वो हमें अपने साथ ही ले जाती। वेट यार, यहाँ पे भाई हम लोगों ने काम कंप्लीट कर तो दिया बट पैसे कैसे मिलेंगे? अगर हम मान लो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ, ओ वेट भाई ये देखो यहाँ पे लिखा रहा स्पेस टू कलेक्ट। तो भाई अब हमें पैसे मिले हैं, ये देखो हमें मिले हैं पूरे 12,600 यूरो। तो चलो यार कुछ पैसे तो मिले भाई कल्टीवेट करते करते। देखो भाई ये खेत कितना बड़ा है, मतलब इस खेत को कल्टीवेट करते करते ना हालत खराब होगी। तो यार फ्री के पैसे तो नहीं मिले हमें भाई, अपनी मेहनत के पैसे मिले हैं। तो एक काम करते हैं, चलो चलते हैं सीधा अपने फार्म पे और चल के देखते हैं कि जो हम लोगों ने खेत कल्टीवेट किया वहाँ पे ये कल्टीवेट हो चुका क्या? ये देखो भाई यहाँ पे ये कल्टीवेट हो चुका है बट थोड़ा सा रह गया। तो एक काम करते हैं, चलो ट्रैक्टर के अंदर बैठते हैं और जल्दी से ना इन दोनों खेतों को करते हैं कल्टीवेट और करके ना भाई इनके अंदर कुछ हम उगा देते हैं, क्योंकि भाई जब हम नेक्स्ट टाइम गेम के अंदर आएंगे ना तो हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे इनको बेच के। तो चलो भाई जल्दी से लगते हैं काम पे और जल्दी से कर देते हैं इन दोनों खेतों को कल्टीवेट। ये देखो भाई मैंने इस खेत को भी यहाँ पे जोत दिया और सामने वाले खेत में जो थोड़ा सा बचा था उसको भी जोत दिया। तो चलो एक काम करते हैं जल्दी से ना इसके अंदर कुछ उगा देते हैं इससे पहले कि भाई रात होए। ये क्या भाई यहाँ पे रात भी होगी? तो एक काम करते हैं जल्दी से ना जाके सो के आते हैं, फिर भाई उठ के ना यहाँ पे हम कुछ उगाते हैं, क्योंकि अगर हम अंधेरे के अंदर काम करेंगे ना तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं देगा। पर यार सोने से पहले रुको, अगर हम सो जाएंगे ना तो भाई पूरा का पूरा मंथ बीत जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई हम ना सेटिंग चेंज कर लेते हैं ताकि यार हम सो के उठे तो महीना ना बीते। कहाँ गए भाई वो सेटिंग? वेट, ये देखो ये रही भाई डे पर मंथ, मतलब कि अगर एक दिन हम सो के उठेंगे ना तो भाई पूरा पूरा महीना बीत जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं 7 दिन, क्योंकि यार अगर हम भाई यहाँ पे 7 दिन भी सो के उठेंगे ना तो महीना तब बीतेगा, मतलब 8वें दिन बीतेगा। तो एक काम करते हैं चलो जल्दी से ना जाके सो के उठते हैं यहाँ पे। 8 बजे का अलार्म लगाते हैं सुबह का और 8 बजे उठ के हम जल्दी से भाई यहाँ पे ना कुछ उगा देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सो के उठ चुके हैं हम लोग। तो भाई चलो चलते हैं जल्दी से अपने ट्रैक्टर को उठाते हैं और ट्रैक्टर को उठा के ना उसके आगे पहले तो हम बीज वाला कनेक्ट करते हैं। ये देखो सामने रखा हुआ है भाई। इस गेम के अंदर जितने व्हीकल है ना बहुत ही स्लो चलते हैं। देखो ट्रैक्टर कितना स्लो चल रहा है यार, थोड़ी सी तो इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं ये गेम वाले, बट यार इन लोगों ने भाई एकदम रियलिस्टिक बनाया हुआ है। तो शायद से तभी ओ भाई अबे यार ये टूट ना जाए, अगर ये टूट गया ना तो भाई हमें जाके दूसरा खरीदना पड़ेगा और अपने पास भाई इतने पैसे भी नहीं है। और वेट, ये देखो ऊपर लिखा रहा है ग्रेट डिमांड एट गोल्ड क्रस्ट वैली। तो शायद से ना गोल्ड क्रस्ट की डिमांड हो रही है, तो गोल्ड क्रस्ट क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ये देखो गाइस यहाँ पे जो अपना ये आगे वाला टूल है ना अपने ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो भाई यहाँ पे ना मैंने ट्रैक्टर को चेंज कर दिया, क्योंकि यार इसके अंदर ना ये ऑलरेडी लगा हुआ था। और जो भाई अपना वो रेड वाला ट्रैक्टर ना, ये देखो भाई यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा था ना तो ये धक्का मार मार के इसको अंदर भेजने वाला था। तो एक काम करते हैं इसको ना यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर भाई हम इसको धक्का मार के अंदर भेज देंगे ना तो शायद से ये हमेशा के लिए ना उसके नीचे फंस जाएगा। तो चलो चलते हैं जल्दी से अपने इस ट्रैक्टर के अंदर और जल्दी से ना भाई AI को डालते हैं काम पे। और यहाँ पे हम लोग ग्रास उगाने वाले हैं ना, तो जल्दी से भाई ग्रास उगाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे इस ट्रैक्टर के अंदर ना AI बैठ चुकी है और यहाँ पे ये इसके अंदर उगा रही है ग्रास। ये देखो साइड में लिखा आ रहा ग्रास। यहाँ पे गाइस यार हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो यार इनमें भाई ग्रास उगने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार अपने पास ना करने में कुछ भी नहीं है। चलो भाई खोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ से भाई देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो यहाँ पे देखो बेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, शायद से यार बेलिंग में क्या करना है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो यार यहाँ पे देखो ग्रास वाले कॉन्ट्रैक्ट काफी सारे हैं। ग्रास वाला कॉन्ट्रैक्ट ले भी लेंगे ना तो भाई हमें पता नहीं लगेगा कि उसको कैसे करना है। तभी भाई मैंने ना अपने खेत के अंदर ग्रास उगाई है ताकि पहले हम भाई ग्रास को ना काट के बेच के देखेंगे कि कैसे बेचना है, तो उसके बाद ना हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं कोई कल्टीवेटिंग वाला देखते हैं ताकि हम भाई जल्दी से ना उसके खेत को जोत के पैसा कमाएं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो भाई चलो देखते हैं यहाँ पे। वेट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कल्टीवेटिंग, तो शायद से ना एक ही बचा भाई कल्टीवेटिंग वाला। तो एक काम करते हैं चलो। वेट, ये देखो भाई इसके अंदर हमें मिलेंगे $2,328 और हमें खेत नंबर जाना 77 के अंदर और भाई उसको हमें करना कल्टीवेट और उसके बाद ना हमें ये पैसे देगी। तो भाई ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं आइटम बोरो करते हैं, यहाँ से करते हैं बोरो और फिर जल्दी से देखते हैं
हैं कि 77 नंबर खेत कौन सा है। तो भाई चलो जाते हैं मैप के अंदर सीधा और यहाँ पे 77 कौन सा है चलो देखते हैं। 70 नंबर तो इस साइड था ना, पिछली साइड, तो 77 शायद से यहीं कहीं होना चाहिए। वेट नहीं यार, इस साइड तो भाई एक भी नहीं है। ये देखो इस साइड तो नंबर कम हो रहे हैं और इस साइड ये देखो यहाँ पे 77। तो भाई साहब ये देख रहा कहाँ पे है हमारा घर है जो यहाँ पे है और हमें जाना है सीधा यहाँ पे। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से करते हैं स्विच, यहाँ से हम चलते सीधा शॉप के बाहर। वेट ये देखो यहाँ पे गाइस हमारा ट्रैक्टर आ चुका है और यहाँ पे कोई बड़ी सी मशीन आ चुकी है। भाई साहब ये कैसी मशीन है, ये देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मशीन है यार। मुझे लग रहा है ना भाई खेत ज़्यादा ही बड़ा है, रुको देखने दो। खेत तो यार वैसे छोटा सा लग रहा है बट यार हमारे खेत से ना काफ़ी बड़ा है। ये देखो गाइस ये हमारे खेत इतने इतने से हैं और ये वाला खेत उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब हमारे तीनों चारों खेत मिला के ना ये एक खेत है शायद। तो चलो भाई जल्दी से ना इस वाली मशीन को भी करते हैं कनेक्ट। तो एक काम करते हैं आराम से करते हैं कनेक्ट इसको इसके साथ। नाइस ये देखो यहाँ पे गाइस ये कनेक्ट हो चुकी है। तो चलो भाई यहाँ पे आगे हमें इस डब्बे को भी कनेक्ट करना है, तो चलो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं कनेक्ट। ये देखो भाई यहाँ पे ये टूल भी हमारे ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलो जल्दी से लेके चलते हैं 77 नंबर खेत में। हमें यहीं से जाना पीछे की साइड से, शायद से जो यहाँ पे पहला मोड़ आएगा उस पे हमें मुड़ना है। रुको देखना जरा, अबे यार ये देखो यहाँ पे जाना हमें, मतलब इस वाले मोड़ पे मुड़ना है। तो चलो जल्दी से मुड़ते हैं। एक काम करते हैं भाई क्रूज कंट्रोल मोड पे डालते हैं ताकि ये ट्रैक्टर ना अपने आप रेस देता रहे। चलो भाई ये लेके जा रहा सीधा। ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो भाई यहाँ पे हम तबाही मचा रहे हैं ट्रैक्टर के साथ। शायद से यार ये मशीन ना कुछ आती बड़ी है और ये रोड ना छोटा सा है। मुझे लग रहा है एक दिन भाई हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम इस फैक्ट्री को भी खरीदेंगे, बाकी पता नहीं। रुको यार ये, ओ भाई इसको नहीं तोड़ना। वैसे ये टूटे है क्या, चलो मार के देखते हैं इसके बीच में शायद से। ओ भाई नहीं टूट रहा, तो मुझे लग रहा ना हमें जल्दी से यहाँ से टपा लेना चाहिए। अगर भाई हम टपाएंगे नहीं ना तो शायद से अगर ट्रेन आ गई तो भाई ये मशीन ना हमारी टूट जाएगी, मतलब इस मशीन की चटनी बन जाएगी। तो चलो लेके चलते हैं इसको जल्दी से। वेट यार शायद से ना हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखो यार नीचे भी मैप है ना, तो यहाँ पे 77 नंबर मैप ये वाला ब्लिंक हो रहा है। तो मुझे लग रहा ना हमें इसी खेत को कल्टीवेट करना है। तो चलो जल्दी से ना AI को डालते हैं काम पे यहाँ पे, क्योंकि यार मैं नहीं करने वाला। फाइनली गाइस ये देखो यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का काम भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब भाई इसको ना मैंने पूरा का पूरा कल्टीवेट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो भाई जो पीछे वाला खेत है ना, मतलब पड़ोस वाला खेत, उसके अंदर ही भाई मैंने गलती से ना ये कल्टीवेटर चला दिया और देखो उसकी फसल भी कट गई। तो एक काम करते हैं भाई चलो लेके चलते हैं उसके खेत के अंदर और थोड़े भाई पुट्ठे पंगे करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा अगर हम इसकी फसल को काट देंगे। और वेट ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है दिस व्हीकल टूल इज रिजर्व फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो मेरे हिसाब से शायद से ना जो ये साइड में फसल लगी हुई है यही कटेगी और अंदर नहीं कटेगी, ऐसे तो भाई हम सभी की खेती खराब कर देंगे। तो एक काम करते हैं भाई इस टूल को ना जल्दी से वापस करते हैं। पर रुको, तो अगर हम पैसे कलेक्ट करेंगे ना तो ये वाला जो टूल हम लोगों ने लीज पे लिया ये गैप हो जाएगा। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना जल्दी से इसको भाई अपने फार्म पे लेके जाऊँ और वहाँ पे जो हमारे दो खेत बचे हैं ना उनके अंदर इसको चला के ना अपने खेत को भी कल्टीवेट कर लूँ। क्योंकि अगर मैं भाई अपने छोटे वाले कल्टीवेटर से अपने खेत को कल्टीवेट करूंगा ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यार ये वाला टूल ना उस हिसाब से काफ़ी बड़ा है, देखो भाई बहुत बड़ा टूल है। तो चलो जल्दी से लेके जाता हूँ अपने खेत के अंदर और भाई जिसके अंदर हम लोगों ने गेहूँ वगैरह उगाया था ना उसको जल्दी से कल्टीवेट कर लेता हूँ। वैसे ये वाला खेत भाई उससे बहुत छोटा था जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो तो भाई बहुत ही बड़ा खेत था, क्या ही बोलूँ भाई सबसे बड़ा खेत। अबे यार हट जा भाई आगे से, शायद से भाई इसकी गाड़ी हमारे ट्रैक्टर के अगले टायर के पीछे अटक गई क्या। रुको यार हमें पीछे करना पड़ेगा, चल 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 निकल निकल निकल। वो देखो भाई शायद से वो डर गया हमारे से, तभी भाई वो भगा के ले गया। वो देखो भाई कितनी तेजी से जा रहा है, यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। तो एक काम करते हैं यहाँ से ना उतरते हैं और चलो थोड़ा ना ट्रेन देखते हैं कि ट्रेन भाई कैसी दिखती है। वेट ये क्या है यहाँ पे, रुको। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे ट्रेन जा रही है, ये तो वही वाली ट्रेन है शायद जो वहाँ पे आई थी। तो इसके ऊपर चढ़ते हैं। ओ भाई साहब चढ़ी गया था, अगर मैं चढ़ जाता ना तो देखते भाई हम कहाँ पे जाते। ओ ये देखो यहाँ पे शायद से ना वो माल वगैरह लोड कर रहा था, ये देखो यहाँ से ना हम शायद इसके अंदर माल वगैरह लोड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं चलो इस फैक्ट्री को ना थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं इसके ऊपर की साइड। वेट ये क्या यार, ये तो गेट बंद है यहाँ पे, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या। ओ नाइस भाई ये देखो इसके ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और कितना ऊपर जा सकते हैं। रुको शायद से इस साइड से रास्ता है, ये देखो यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। तो चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं, रुको यार जा ही नहीं पा रहे, जा पा रहे हैं नाइस, थोड़ा और ऊपर चलते हैं भाई अटक जा रहे हैं इसके बीच में, यहाँ से जंप मारते हैं सीधा। वेट ये देखो यहाँ पे ना साइड में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो शायद से हम और ऊपर भी जा सकते हैं। अभी भाई ये क्या हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से जंप मारते हैं। रुको यार नहीं जा पा रहा भाई, ये देखो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, तो शायद से हम इसके ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं भाई चलो नीचे उतर जाते हैं। वो देखो वहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है शायद से, यहाँ पे क्या करना है रुको चल के देखते हैं। अच्छा समझ गया, शायद से ना हमें यहाँ पे कुछ उगा के ले आके भाई नीचे गिराना है और फिर वो इसके अंदर लोड होएगा, मतलब जो ये बड़े बड़े चैम्बर लगे हुए हैं ना इनके अंदर वो भर जाएगा जो हम लोग अनाज वगैरह ले डालेंगे इसके अंदर, और फिर भाई उसको हम ट्रेन पे लोड करा के ना कहीं पे ले जाके छोड़ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। वेट भाई यहाँ पे देखो ट्रैफिक लग चुका है, शायद से यार ये तो वही बंदा भाई जिसके गाड़ी के बीच में मैंने अपना ट्रक ठोका था, मतलब मैंने नहीं ठोका था, इसने खुद से ठोका था भाई गलती से। तो चलो एक काम करते हैं जल्दी से ना इस ट्रैक्टर को साइड में करते हैं ताकि ये बेचारा यहाँ से चला जाए, अपना टूल ही बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं भाई टूल को फोल्ड कर लेते हैं ना, ये टूल भाई कुछ ज्यादा फैल रखा है। चलो लेके चलते हैं जल्दी से अपने खेत के अंदर और उसको कल्टीवेट करके ना फिर हम भाई कलेक्ट कर लेंगे पैसे और फिर ये टूल गैप हो जाएगा। अबे यार नहीं भाई ये काम ही नहीं कर रहा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा रहा दिस व्हीकल टूल इज रिजर्व फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो एक काम करते हैं बाहर
कहाँ निकलते हैं और भाई हमें ना इसको मतलब इसके लिए अलग से टूल लेना पड़ेगा जो हमारे खेत हैं। तो अपने पास ऑलरेडी एक छोटा सा भाई कल्टीवेटर है, उससे हम इसको कल्टीवेट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, चलो जाते हैं भाई, लीज आइटम को ना वापस कर देते हैं। पर लीज को वापस नहीं करना, हमें ना यहाँ पे पैसे कलेक्ट करने हैं। देखो अगर हम यहाँ से पैसे कलेक्ट करेंगे ना तो भाई देखो अपने पास हो चुके हैं टोटल $151,000 और जो हमारा टूल था ना वो गैप हो चुका है ट्रैक्टर के साथ। तो भाई इसको हमें खुद से कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं गाइस, आज के इस एपिसोड को ना हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस इन खेतों को ना हम कल्टीवेट करेंगे और दूसरे जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है ना उनको भी हम कंप्लीट करके पैसा कमाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे ना बहुत सारी गेम प्ले वीडियोस आने वाली हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।